एशियन रिलेटेड क्यों बात करने वाले, यहाँ बात करने वाले क्योंकि यहां पर कुछ चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं एक इनकी अगर हम बात करें तो एक पीपीटी थी वो मैं यहाँ पर पढ़ रहा था तो उससे रिलेटेड एज वेल एज यहाँ पर चार्ट में कुछ दिखाई देता है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के ओके okay, तो ये सब चीज को देखते हुए यहाँ पर सोचा कि एक वीडियो अगेन दोबारा बनानी चाहिए काफी दिनों बाद यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर से रेटिव वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऊपर के लेवल पे अटके हुए हैं तो उनके लिए भी ये जरूरी है कि यहाँ पर ये इस तरीके की वीडियो टाइम टू टाइम पे आती रहे ताकि चीजें समझ में आती रहे और जब चीजें समझ में आती रहेगी तो ऑबियसि बात है यहाँ पर पैसा बनना ही बनना है तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे जानेंगे और बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर अवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस मिलते रहे बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर करें क्यों क्योंकि यहाँ पर इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमारा टारगेट है कि हम दस हजार एक से दो महीने के अंदर अंदर पर पहुंचते हुए नजर आए दूसरी वीडियो कल की डेट में बनाई गई थी अच्छी खासी यहाँ पर चली है एज वेल एज यहाँ पर ये सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा तो हम बात कर रहे हैं एशियन ग्रेनिटो से रिलेटिव तो एशियन ग्रेनिटो की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चार्ट में कुछ दिखाई देता है ओके okay, जो हमने यहाँ पर पहले बताया था कि किस तरीके से पर होता हुआ नजर आ रहा है तो ब्रेकआउट की तरफ यहाँ पर इशारा करती हुई दिखाई दे रही है well तो एक पर एक्सचेंजेस पर क्या डाल रखा है की इनकोपरेटिव होली ओन्ड सब फॉरन सब्सिडरी कंपनी होती हुई नजर आई है यहाँ पर पढ़ सकते हैं वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट दिन इनको होली ओन्ड सब Owned named के नाम से यहां पर ये इस तरीके से नाम से 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 पर पर ये इस तरीके अब जानी जाएगी okay, owned है तो इसके पर एक आ, आर्टिकल था ओके okay, जो इन्होंने दे रखा था तो यही सब चीज यहाँ पर आपको एक बतानी थी दूसरी बात अगर हम बात करें इसके बिजनेस मॉडल की तो जैसे कि हम बार बार बात कर चुके हैं एशियन ग्रेनेटो की एशियन ग्रेनिटो एक ऐसी कंपनी है जो कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके चार्ट पे मैं अगर आपको लेके जाता हूँ तो आपको पता चलेगा देखिए ये यह तो यहाँ पर दिखा रहा है केवल दो, दो हजार सात से बट दो ये कंपनी थी 2000 में तो लाख रुपए का इनका बिजनेस हुआ करता था ओके अट्ठाईसू की बात कर रहा हूँ मैं कि अट्ठासी लाख रुपए का जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको सोलह सौ सो के आस सोलह सो करोड़ के आसपास कभी अट्ठासी लाख का रिवेन्यू हुआ करता था तो इस तेईस सालों में अट्ठासी लाख से ये कितने सोलह सोलह uh, सौ करोड़ रुपए के आसपास के बिजनेस पे पहुंचे तो ये एक कंपनी की पहचान है कि इस कंपनी ने किस तरीके से यहाँ पर आपने आपको प्रूफ किया है अगेन एंड अगेन और कंपनी किस तरीके से यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है वो यहाँ पर बताता है ओके okay. और जिस तरीके से कंपनी ने यहाँ पर बहुत सारे पैसे खर्च करे हैं डिस्प्ले यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर ये डिस्प्ले बनाने जा रहा है जहाँ पर ये अलग अलग टाइल्स रखेगा ओके अपने सारे मिक्स रखेगा लोग देखने आएंगे और ऑब्वियस बात है जो दिखता है वो बिकता है आपको पता ही है और कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी में आप देख सकते हैं हर तरीके की यहाँ पर ये टाइल्स देते हुए नज़र आते हैं हर तरीके की यहाँ पर अगर हम बात करें ये बाथवेयर देते हुए नज़र आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कंपनी यहाँ पर टाइल्स के सारे की सारी सर्विस सारी हर तरे हर, तरे हर एक तरीके की टाइल्स मार्बल्स ओके बाथवेयर में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है कंपनी की बात करें कंपनी यहाँ पर एक्सपोर्ट के बिजनेस में लगभग इन्होंने 41 करोड़ रुपीज का यहाँ पर एक्सपोर्ट भी अभी करते हुए दिखाई दिए थे एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर लगभग 100 प्लस कंट्रीज में यहाँ पर आप देखेंगे तो हंड्रेड प्लस कंट्रीज में कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो मोस्टली यहाँ पर आप देखिए नाम पढ़ लीजिए सभी कंट्री में ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है मतलब अपने प्रोडक्ट्स बेचती हुई नजर आ रही है एक बेहतरीन कंपनी है एक बड़ी कंपनी है एक कंपनी रिक, है ओके अच्छा खासा मार्केट कैप है और क्लाइंट की बात करें तो कंपनी के क्लाइंट में भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है सारे बड़े बड़े नाम आप बस एक बार नाम ले लीजिए ओके वो सारे बड़े नाम इनके क्या है क्लाइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे इनकी क्लाइंट है और एक बार यहाँ पर और देखेंगे तो यहाँ पर बात करें कंपनी में किसी भी तरीके का कोई भी इश्यू नहीं है तो यहाँ पर जाते हैं और पर देखते हैं कंपनी का तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जैसे हम पर जाते हैं तो कंपनी का इस बार ओके सेल्स लगभग 310 करोड़ रुपए के आसपास की हुई थी जो कि यहाँ पर पिछले तीन क्वार्टर की अगर हम बात करें उसमें सबसे आ, कम होती हुई चार क्वार्टर में सबसे कम होती हुई दिखाई दी और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट था वो एक साथ घाटे में आता हुआ दिखाई दिया क्यों आता हुआ दिखाई दिया क्योंकि यहां पर जो इनके एक्सपेंसिस थे ना वो बढ़ते हुए दिखाई दिए और कौन से एक तो एम्प्लॉय कॉस्ट जो कि एनुअली बेसिस होती है एज वेल एज एक चीज और कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि अभी क्या चल रहा है यूक्रेन ओके यूक्रेन एंड रशिया का क्या चल रहा है वॉर चलता हुआ नजर आ रहा है जब ये वॉर चल रहा है तो आपने यहाँ पर देखा होगा इसकी वजह से जो गैस के, uh, के प्राइस है ओके okay, वो इंक्रीज होते हुए नजर आए और जब गैस के प्राइसेस इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं तो यहाँ पर जो सेलेमिक बनती है ना वो गैस का उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होता हुआ दिखाई देता है इस वजह से आप यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते हुए नज़र आए और जिसकी वजह से यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इनके जो रिजल्ट है उसमें एकदम डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हुए दिखाई दे और जिस वजह से यहाँ पर Uh, ये जो प्रॉफिट है ओके okay, वो यहाँ पर घाटे में आता हुआ दिखाई दिया तो वही इन्होंने यहाँ पर बता रखा है सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए देखिए शार्पली जो इन uh, uh, यहाँ पर मार्जिन डिक्लाइन हुआ है इसके रीजन है कि यहाँ पर प्राइस रेज uh, जो हुआ है गैस का वो लगभग 20% परसेंट इंक्रीज इन गैस प्राइस इन क्रिस्टल सैनिमिक्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी अवेल ऑफ एपीएम गैस रिजल्ट इन स्पॉट द परचेज फ्रॉम द

ओके okay, इस वजह से अगर हम यहाँ पर देखें स्लो डाउन इन ऑफ़टेक फ्रॉम द गवर्नमेंट्स इन द लो कॉस्ट रियल इस्टेट रिजल्ट वॉल्यूम डिक्लाइन इन दॉल्यू सोल्युएबल साल्ट एंड द डबल चार्ज तो यहाँ पर डबल चार्ज हुआ uh, लिया गया as well as soluble, है एज वेल एज सोल्युएबल जो साल्ट है और यहाँ पर रियल इस्टेट में थोड़ा सा यहाँ पर uh, क्या आता हुआ दिखाई दिया स्लो डाउन आता हुआ दिखाई दिया जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऑल तो इसकी वजह से इनके जो uh, अगर हम बात करें रियल इस्टेट से ही रिलेटेड ये पर्टिकुलर शेयर है ओके okay, और जो ये कम आता हुआ दिखाई दिया है तो इसकी वजह से तो यहाँ पर जो इनकी सेल्स थी वो कम होती हुई दिखाई दी एज वेल एज यहाँ पर बात करें कंपनी के मार्जिन किस लिए कम आई बिकॉज ऑफ गैस के प्राइस ओके okay, तो यही सब चीज इन्होंने यहाँ पर बता रखी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपोर्ट लगभग चालीस करोड़ रुपए के आसपास हुआ और एक्सपोर्ट में भी यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया क्यों क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटरनेट जो इनके जो चार्जेस होते हैं यहाँ पर एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस पर ले जाने के शिपिंग फ्रेड कॉस्ट जिसे हम कहते हैं ओके वो यहाँ पर क्या होती हुई दिखाई दी है इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है ओके और एज वेल एज जो यहाँ पर कंटेनर uh, की अवेलेबिलिटी थी वो भी यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी थी तो इस वजह से भी यहाँ पर इनके जो एक्सपेंसिस uh, बढ़ते हुए दिखाई दिए ओके यहाँ पर इतनी अवेलेबिलिटी नहीं दिखाई दी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं हो पाया एज वेल एज जो भी एक्सपोर्ट हुआ वो महंगा हुआ तो यही सब चीज यहाँ पर देख रखा है बट डिमांड अगर बात करें अभी थोड़ी सी मिस मिक्स uh, आती हुई दिखाई दे सकती है बट जैसे कि हम बात कर रहे हैं नए भारत की हम बात कर रहे हैं हर चीज की तो ऑब्वियस सी बात है uh, जब तक रियल इस्टेट नहीं बनेगा रियल इस्टेट एज वेल एज आर्मी ये दो चीजें किसी भी कंट्रीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल होती है दोनों बेहतरीन है अपने आप देश यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा ओके okay, इकोनॉमी तो साथ, साथ चलिए तो ही चाहिए तो यही सब चीज ये पर्टिकुलर स्लाइड uh, में बता रखा है यही पर्टिकुलर चीज हम यहाँ पर बार बार बताते हुए नजर आए हैं और कंपनी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी लगभग एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी दे रखा है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फोकस मोर ऑन द क्वालिटी एंड एंडोप्शन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टू मैच रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट मार्केट ग्लोबली शिफ्ट फ्रॉम द चाइनीज मतलब चाइना से यहाँ पर इंडिया की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है ओके टुवार्ड्स परमानेंसी इंडिया सेरेमिक टाइल्स इंडस्ट्री इज हेडेड वेल टू ग्रो एट द हाइयर पेस ग्लोबली तो अगर बात करें इंडिया की जो कंपनीज है इंडिया की जो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना प्लस वन ये फैक्टर की वजह से तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे चल के इसमें भी फायदा होता हुआ दिखाई देगा नंबर ऑफ एक्सपोर्ट की बात करें तो यहां पर देखिये कंपनी पहले सेवेंटी कंट्रीज में करती थी फिर 90 अभी 100 के आसपास कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है

किस तरीके से जो मैं बात कर रहा था कि 2000 में अट्ठासी लाख रुपए का यहाँ पर ये यह कंपनी सेल्स किया करती थी और अभी 1600 करोड़ रुपए का तो यहाँ पर कंपनी ने काफी कुछ किया है इस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए एज वेल एज बात करें कंपनी की तो कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हैं uh, किस किस सेगमेंट में टाइल्स एंड स्लैब्स है मावोस एंड कॉर्ड्स है एज वेल एज सैनिटरी एंड फिटिंग से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देती है और ये जिस तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर बातें की गई है जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है कि फ्लोरिंग मार्केटिंग किस तरीके से बढ़ेगा किस तरीके से इनका इंटरनेशनल मार्केट ग्रो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पूरी इंडस्ट्री का तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ये वन प्लस कंट्रीज में है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये करते हुए नजर आएंगे ओके ऐसे ही नहीं बैठने वाले तो यहाँ पर बात करें कंपनी की कंपनी अच्छा खासा नजर आती है क्लाइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए जितने भी बड़े बड़े क्लाइंट है अड़ानी अंबानी ये जितने भी हैं तो ये सब टाटा -टा, टा, ये आईटीसी ये सब कोई कौन है इनके क्लाइंट यहाँ पर नजर आते हैं इन बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है तो अब ऐसी बात है इनके प्रोडक्ट्स के बिना तो यहाँ पर बनेगा नहीं कहाँ ये लोकेटेड है वहां से डिस्टेंस एंड ऑल यहाँ पर दे रखी है ओके जो कि आप यहां पर देख सकते हैं और यहां पर देखिए लगभग अड़तीस अड़तीस सौ आप यहां देखेंगे अड़तीस हजार पांच सौ करोड़ रुपए का यहां पर ये सैरमिक का पूरा मार्केट है जिनमें से एक ऑर्गेनाइज है एक अनऑर्गेनाइज है ऑर्गेनाइज की बात करें, तो लगभग जो लिस्टेड कंपनीज है उसकी बात हो रही है लगभग अठारह सौ अठारह हजार पांच सौ करोड़ का पूरा बिजनेस है और अनऑर्गेनाइज की बात करें जो कि यहाँ पर शॉप्स वगैरह ऐसी जो कि लिस्टेड नहीं है तो उनके पास लगभग दो बीस हजार करोड़ रुपए का पूरा मार्केट है और जिस तरीके से यहाँ पर देखिए सिस्टमेंटनाइज तो uh, से ऑर्गेनाइज मतलब कंपनी में गुड एंड जीएसटी की वजह से एंड ईवी बिल ऑन तो इसकी वजह से यहाँ पर इनका रुझान अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बात करें uh, ये सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं और एज वेल एज यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक दो तीन चार मतलब चौथे नंबर पर एजीएल आता है सेरा से भी ऊपर आता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर बिजनेस में तो ऑब्वियस सी बात है एक बड़ा नाम है ओके okay, बड़ी चीज है तो इस चीज को आपको देखना होगा किस थर्टी एट परसेंट सी से ये सैर इंडस्ट्री भारत में अगर बात करें एक्सपोर्ट में बढ़ती हुई नजर आ रही है तो इस चीज को भी आप देख सकते हैं <coughs> तो एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन Everything is fine, इस पर्टिकुलर कंपनी में तो आपको डरने की जरूरत नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक्सपेंसिस की वजह से और कुछ रीजन की वजह सेल्स और यहाँ पर नेट प्रॉफिट कम आ गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट कंपनी ने किस तरीके से ग्रोथ दिखाई है वो हमें देखनी चाहिए और ये ग्रोथ साफ नजर आती है कि किस तरीके से कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है रिजर्व कंपनी के पास अच्छे खासे यहाँ पर लगातार कम होती हुई नजर आ रही है राइट इश्यू कंपनी लाती रही है ओके कंपनी की बात करें डिविडेंड कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड भी दिया है लगातार डिविडेंड दिया है चाहे कभी कम हुआ है कभी ज्यादा राइट इश्यू दो बार ये ला चुके हैं और किस वजह से लाए वो भी यहाँ पर है और इस आर्टिकल में आप देख जाएंगे कहा मिलेगा मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे ये पीपीटी पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पर फॉरन सब्सिडी से क्लिक कर दीजिए सारे आर्टिकल आ जाएंगे और यहाँ पर किस तरीके से कंपनी आगे काम करती हुई नजर आएगी वो सब चीज यहाँ पर आपको मिलती हुई नजर आएगी और जो इन्होंने लोन लिया था ओके राइट इश्यू के थ्रू यहाँ पर जो पैसा रेज किया था तो यहाँ पर वो काम शुरू हो गया है और जैसे ये अभी जो मानसून चल रहा है ये आ, सिविल का काम खत्म हो गया है इनका यहाँ पर ही दे रखा है इन्होंने मैंने पढ़ा था और ये धीरे धीरे कंपनी काम अच्छे खासे कर तरीके से करती हुई नजर आएगी अः ये मानसून खत्म होती साथ वो ऑपरेशनल हो जाएगा और वहां से ही पैसे आएंगे और वहां से पैसे आएंगे तो अब इसी बात है प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है ट्वेंटी नाइन परसेंट है और एफ भी आ रहे हैं डी अभी नहीं है और पब्लिक की बात करें सत्तर परसेंट के शेयर है बट कुछ लोगों ने अभी हिस्सेदारी खरीदी है ये आपको यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए चार्ट की बात करें एक लगातार गिरावट थी जो हम पर बात कर चुके हैं बॉटम की बात करें कंपनी ने बॉटम बना दिया है ओके इससे ज्यादा नीचे पर पर गिरना नहीं है है भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि और ज्यादा चीजें गिरेगी तो यहाँ से नीचे नहीं गिर रहा अगर वर्स्ट केसेस में चीजें नीचे भी आ जाती है तो थर्टी नाइन फोर्टी यहाँ पर आप समझिएगा कि यह पर्टिकुलर सेक्टर में आता हुआ दिखाई देगा एज वेल एज अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर शेयर की तो देखिए यहाँ पर से एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ ब्रेकआउट हुआ यहाँ से ऊपर गया अब यहाँ पर ब्रेकआउट अगर ये ब्रेकआउट होता है ओके okay, तो चीजें और ऊपर जाती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर मैंने जो टारगेट बताए थे अचीव होते हुए आपको दिखाई देंगे तो यहाँ पर खुश नहीं होना है चीजें फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आएगी और फिर दोबारा शायद यहाँ पर 119 के भी टारगेट आपके अचीव होते हुए दिखाई देंगे क्यों क्योंकि ये क्या बना रहा है ये राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है ओके और एज वेल एज यहाँ पर देखेंगे तो ये कब और यहाँ पर छोटा सा हैंडल बनाए है, तो एक कब हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है और कब विध हैंडल के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसके टारगेट अगर हम देखते हैं तो इसके टारगेट भी लगभग लग वो ही आ रहे हैं जो हमने यहाँ पर इसके तो ये बताती है कि, कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब हैंडल पैटर्न वहीं पर ही जाके चीजें रुकती है यहाँ पर आने के बाद जब आप बात करेंगे दोबारा कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न बनेगा तो यहाँ पर देखिए फिर ऐसा कुछ बनने के बाद शायद ये और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और अच्छे खासे रिटर्न आपको फिर बनते हुए दिखाई देंगे तो इसी तरीके से चीजें काम करती है इसी तरीके से पैसे कमाए जाते हैं तो आपको उसी तरीके से ध्यान भी देना है तो की की कोई रिकमेंडेशन नहीं एडवाइजर खुद स्टडी करना है चीजें समझानी थी कि, कि किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने पहले ये डरा के चीजों को बिचवाया तो लोग यहाँ पर बेच के निकल गए कि अब ये जीरो हो जाएगा बट जीरो नहीं होगा ऑब्वियस सी बात है पंद्रह सोलह सोलह सौ करोड़ रुपए का रिवेन्यू है और यहाँ से अब जब चीजें ऊपर जा रही है तो यहाँ पर बड़े लोग अच्छे खासे तरीके से माल खरीद रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं दस दस लाख के शेयर का ट्रेड हो रहा है सो so वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा वीडियो इसको दूसरी को देखिएगा ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस